रिंग अच्छी है। इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों कर रहे हो? किसके लिए? उसके लिए जिसने जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी आई के सम्मान के लिए जो अपने परिवार के खिलाफ चला गया। जब आई हमें छोड़ के चली गई थी तो अकेले ढूंढकर लाए सर, आई की जान बचाई, मेरी जान बचाई। और मेरे नाम पे भी तो दाग लगा है ना, वो भी मिटाना है मुझे। मेरा परिवार, आई, हर्षया, आजी, वो सब चाहते हैं ना कि मेरी भी शादी एक अच्छे लड़के से हो। इनफैक्ट आई का तो सपना है कि मेरी शादी राज सिंह आहूजा जैसे लड़के से। कहीं यही वजह तो नहीं तुम मिसेज विराट आहूजा बनना चाहते हो? नहीं। विराट सर, मैं वाकई शादी नहीं कर रहे, नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और फिर मैं बस उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ जिसने मेरे साथ कभी बुरा होने नहीं दिया। फिर से सोच लो, कहीं कोई और वजह तो नहीं? क्या वजह हो सकती? मेरा मन हो ना तुम? तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है, तुम्हें एहसास कराने आई हूं। सोच लो, ये सब करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही? मुझे तो लग रहा मैं तुमसे बात करके सबसे बड़ी गलती की थी। जाओ यहां से, प्लीज जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। शान 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 गदादारी भीम, मैं तो अभी आया हूँ, अभी से भेज रही हो? इनको भी अभी आना था। नहीं सर, कुछ नहीं, बस कुछ देर अकेले रहना चाहता। हाँ हाँ ठीक है, रह लेना, पर जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, तुम मुझे कोई बात नहीं सुननी सर। मेरा मूड आज खराब है, है ना? अरे उसमें कौन सी नई बात है, वो तो हमेशा ऐसा ही रहता है। सॉरी, एक्चुअली भवानी आंटी ने बताया कि तुम्हारी और वो हर्ष की लड़ाई। खैर, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उससे तुम्हारा मूड एकदम बढ़िया हो जाएगा। मुझे कोई बात नहीं सुनी, मेरा बिल्कुल मन नहीं। ओके, मुझे लगा तुम्हें खुशी होगी जान के कि वो आदमी हाथ से निकल गया पर एक सुराग मिला। जो हमें उस गुनहगार तक पहुंचा देगा, बट अगर तुम्हें नहीं जानना तो कोई बात नहीं। क्या सुरा, क्या मिला है?